बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग प्लीज लेट मी ग्रो द कॉर्न। कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम इलियाज है, जो कि अबकाजिया देश का रहने वाला है। इस देश की आबादी बहुत ही कम है, इसीलिए यहाँ पे रहने वाले लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर एक रिवर होती है जिसका नाम एंग्यूरी रिवर है। बसंत ऋतु में ये रिवर का पानी बहुत कम हो जाता है और छोटे छोटे आइलैंड्स बन जाते हैं जिनका कोई भी ओनर नहीं होता। इसीलिए इलियाज एक आइलैंड पर जाता है जो कि बहुत ही छोटा होता है। वो वहाँ की मिट्टी चेक करता है जो कि बहुत ही उपजाऊ है और अब वहाँ पर खेती करना चाहता है कि उसकी सर्दियाँ आराम से बीत जाए। दरअसल रशिया इनके देश पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन जॉर्जिया जो कि इनका नेबर कंट्री है वो रशिया से जंग कर रहा है ताकि वो इस देश पर कब्जा ना कर पाए। इसीलिए यहाँ के लोगों के पास जमीनें नहीं है, जितनी भी जमीनें हैं वो जंग की वजह से तबाह हो चुकी हैं। और अब इलियाज ने फैसला कर लिया है कि वो इसी छोटे से आइलैंड पर खेती करेगा। अगले दिनों नाव से कुछ लकड़ियां यहाँ पर लेकर आता है, क्योंकि जब तक उसकी फसल नहीं हो जाती उसे यहीं पर रहना होगा, इसीलिए उसे अपने रहने की जगह यहाँ पर बनानी होगी। उसकी उम्र बहुत ज्यादा है, इसीलिए बहुत मुश्किल से वो चार लकड़ियां लगा पाता है, जिसके बाद वो अपने गांव अपने घर की तरफ लौट जाता है। दरअसल ये सब के सब जंगलों के बीचों बीच रहते हैं ताकि सोल्जर्स इन तक ना पहुंचें और ये सुरक्षित रहें। अगले दिन इलियाज एक बार फिर से इसी आइलैंड की तरफ आता है और आज उसके साथ उसकी ग्रैंड डॉटर भी होती है जिसका नाम मरियम है। मरियम का इलियाज के अलावा कोई भी नहीं है, उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। वो बहुत ही शांत लड़की होती है क्योंकि शायद उसने इतनी छोटी उम्र में बहुत ज्यादा दुख देखे हैं। आइलैंड पर पहुंचने के बाद सबसे पहले ये मछली पकड़ने के लिए जाल लगाते हैं, जिसके बाद मरियम अपने ग्रैंडफादर की मदद करती है और काम के दौरान वो देखती है कि नदी के ऊपर से कुछ सैनिक जा रहे हैं। वो अपने ग्रैंडफादर से पूछती है क्या ये जॉर्जिया के सैनिक हैं। वो कहते हैं कि हाँ, ये पूरा दिन काम करते हैं लेकिन काम की स्पीड बहुत कम होती है क्योंकि इलियाज बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकता, उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। शाम को ये आग चलाते हैं और जो जाल इन्होंने मछली पकड़ने के लिए लगाया होता है उससे मछली निकाल कर ये अपने खाने का इंतजाम करते हैं, क्योंकि इनके पास खाने के लिए इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। आज भी इनके रहने की जगह तैयार नहीं हो पाई, इसीलिए इन्हें गांव वापस लौटना पड़ता है। अगले दिन एक बार फिर से वापस आते हैं और आज इलियाज किसी भी कीमत पर अपने वुडन हाउस को यहाँ पर बनाना चाहता है ताकि जल्द से जल्द वो खेती का काम शुरू कर सके। वो पूरी मेहनत से काम करना शुरू करता है और जब वो अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ काम कर रहा होता है तभी एक बार फिर से वहाँ से सैनिक गुजरते हैं जो कि मरियम को बहुत ध्यान से देखते हैं। मरियम भी उन्हें बहुत ध्यान से देखती है। इसके बाद मरियम अंदर जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो सैनिक उसे ध्यान से क्यों देख रहे थे। इसी तरह से इलियाज आज अपने रहने के वुडन हाउस को पूरा कर लेता है और अब कल से वो यहाँ पर खेती करना शुरू करेगा, इसीलिए आज उसे गांव लौटना पड़ता है। अगले दिन एक बार फिर से वो अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ यहाँ पर आता है। हालांकि उसकी ग्रैंड डॉटर यहाँ पर बहुत ज्यादा काम नहीं करती, लेकिन फिर भी उसे अपनी ग्रैंड डॉटर की चिंता है, वो उसे गाँव में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। इलियाज अपने खेती का काम शुरू करता है और बहुत मेहनत से दोपहर तक वो कुछ हद तक खुदाई का काम कर देता है। वो बहुत ज्यादा थक चुका है इसीलिए अंदर जाकर सो जाता है। तभी उसे गोलियां चलने की आवाज आती है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि नदी के दूसरी तरफ कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, वहीं से गोलियां चलने की आवाज आ रही होती है। दरअसल उस जगह पर अब रशियन सैनिकों का कब्जा है, लेकिन वहां पर उसे कोई नहीं दिखता। वो पूरा दिन काम करने के बाद एक बार फिर से अपने गांव लौट जाता है और अगली सुबह एक बार फिर से अपनी ग्रैंड डॉटर मरियम के साथ आता है और आज ये बीज बोना शुरू करते हैं। और जब ये बीज बो रहे होते हैं तभी आसमान में बिजली कड़कती है, जिसका मतलब ये है कि बारिश होने वाली है, और अगर बारिश हुई तो नदी का पानी ऊपर आ जाएगा और ये पूरी की पूरी जमीन पानी के अंदर समा जाएगी। लेकिन इलियास को विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अपनी ग्रैंड डॉटर मरियम के साथ अंदर आ जाता है और बारिश के रुकने का इंतजार करता है, लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही होती है। साथ ही नदी का बहाव भी अब बढ़ चुका है, इसीलिए बाहर जो इनकी नाव होती है वो जोर जोर से हिल रही होती है। इलियास को लगता है कि कहीं उसकी नाव बह ना जाए, और अगर ऐसा हो गया तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर फंस जाएंगे। इसीलिए तेज बारिश में इलियास बाहर जाता है और अपनी ग्रैंड डॉटर मरियम के साथ किसी तरह से नाव को ऊपर लाता है। ये दोनों बहुत बुरी तरह से भीग जाते हैं, इसीलिए इलियास आग जलाता है।
कुछ देर के बाद बारिश बंद हो जाती है, लेकिन इलियास देखता है कि बहाव तेज होने की वजह से पानी अब ऊपर की तरफ आ रहा है और इस पानी को इन दोनों को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। इसीलिए दोनों के दोनों जंगल जाते हैं, जहां से लकड़ियां काट कर लाते हैं और उन लकड़ियों से एक छोटा सा बांध बनाते हैं ताकि पानी अंदर ना आ पाए। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अब जो बीज इन्होंने बोए थे वो छोटे छोटे पौधों में बदल चुके हैं, जो देखकर इलियास बहुत खुश होता है क्योंकि यही फसल इनकी आखिरी उम्मीद है। इस वक्त जंग की वजह से चारों तरफ भुखमरी है, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर ये सिर्फ मछलियों के सहारे जिंदा है। अब यहाँ इलियास अपनी फसल को ठीक करता है, रात को अंदर सोने के लिए चला जाता है और तभी रात को उसे कुछ आवाजें आती है, पर वो बाहर नहीं जाता क्योंकि यहाँ पर इस तरह की आवाजें आम है जो नदी की दूसरी तरफ से आती है, जहाँ पर रशियन सोल्जर्स का कब्जा है। लेकिन आज एक सोल्जर एक सैनिक उसके आइलैंड पर एक हिरन का पीछा करते हुए आता है। वो हिरन को मारकर अपनी नाव में इस जगह से ले जाता है। सुबह जब इलियास उठता है तो देखता है कि एक तरफ की फसल किसी ने खराब कर दी है। वो समझ जाता है कि ये किसी जानवर का काम है और अब वो तय करता है कि रात को पहरा देगा। एक बार फिर से नदी से कुछ सैनिक गुजरते हैं, वो एक बार फिर से उसकी ग्रैंड डॉटर मरियम को ध्यान से घूर घूर कर देख रहे होते हैं। मरियम की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, ये सब उसके लिए नया है, उसे कुछ नहीं पता कि उनके दिल में क्या है। लेकिन इलियास को समझ में आ जाता है और जब वो सैनिक नदी के दूसरी तरफ से चिल्ला चिल्ला कर मरियम का नाम पूछते हैं तो इलियास अपनी गन लाता और हवा में फायर करता है, जो आवाज सुनकर वो तीनों के तीनों सैनिक वहां से चले जाते हैं। इलियास को अब अपनी ग्रैंड डॉटर की बहुत चिंता है, हालांकि ये दोनों बात बहुत कम करते हैं, पर आज इलियास अपनी ग्रैंड डॉटर मरियम से कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह बनो, मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो, अपने गाँव के लिए, अपने देश के लिए कुछ करो। हालांकि इस माहौल में जहां पर चारों तरफ जंग चल रही है, पढ़ना लिखना बहुत मुश्किल है, लेकिन इलियास को अपनी ग्रैंड डॉटर पर विश्वास है। मरियम भी हाँ में जवाब देती है, यानी कि वो भी अपने ग्रैंड फादर के सपने को पूरा करना चाहती है, कैसे उसे कुछ नहीं पता। हर रात की तरह इलियास आज भी अपने खेत पर पहरा देता है और अगली सुबह जब मरियम लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए जाती है तो उसे फसलों के बीच में कोई दिखता है। वो जोर से इलियास को बुलाती है और जब इलियास वहां पर आता है तो देखता है वहां पर एक रशियन सोल्जर है जो कि जख्मी है। ये बात अगर किसी को पता चल गई तो उस सोल्जर के साथ इन दोनों को भी मार दिया जाएगा। तभी वहां से एक और बोट आती है जिसमें जॉर्जिया के सोल्जर्स होते हैं। वो इनसे पूछते हैं, क्या तुमने यहाँ पर किसी सोल्जर को देखा? इलियास मना कर देता है, जिसके बाद वो उस जख्मी सोल्जर को, जो कि रशियन सोल्जर है, उसे अंदर लेकर आता है और अपनी ग्रैंड डॉटर से कहता है कि तुम बाहर पहरा दो, जिसके बाद वो उस रशियन सोल्जर के जख्मों को साफ करता है, पर उसे अब भी होश नहीं आता। अब वो मरियम को गांव भेजता है और कहता है कि तुम कुछ खाने पीने का सामान लेकर आओ। जल्दी मरियम सारा सामान ले आती है, जिसके बाद वो मरियम को अपने गाँव वापस भेज देता है और वो उस सोल्जर के लिए सूप बनाता है। इसके बाद वो हर रोज उस सोल्जर का ध्यान रखता है। कुछ दिनों के बाद उसे होश आ जाता है और जब सोल्जर बाहर आता है तो देखता है कि इलियास अपनी नाव के पास कुछ काम कर रहा है। इलियास उस सोल्जर को देखकर जल्दी से उसके पास आता और कहता है कि तुम अंदर जाओ, अगर तुम्हें जॉर्जिया के सोल्जर्स ने देख लिया तो वो तुम्हारे साथ मुझे भी मार देंगे। और अब इलियास उसके लिए पानी गर्म करता है, जिसके बाद यहाँ पर इलियास की ग्रैंड डॉटर भी सामान लेकर आ जाती है और पहली बार वो सोल्जर को देखती है। वो सोल्जर भी उसे ध्यान से देखता है, जिससे मरियम के होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और आज हम पहली बार मरियम को मुस्कुराते हुए देखते हैं। दरअसल वो सोल्जर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते। और अब जब सोल्जर एक दिन लकड़ियां जला रहा होता है, तभी मरियम उसके ऊपर पानी फेंक देती है और खेत की तरफ भाग जाती है। रशियन सोल्जर भी उसका पीछा करता है। ये दोनों के दोनों नदी में जाकर एक दूसरे के साथ बहुत खेलते हैं। मरियम बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसके ग्रैंडफादर उसे देख लेते हैं, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो मरियम को बहुत डांटते हैं और इस जगह से भेज देते हैं। अगली सुबह जब रशियन सोल्जर बैठा होता है, तभी उसे एक बोट की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि जॉर्जियन सोल्जर्स इसी तरफ आ रहे हैं, इसीलिए भागकर वो पानी में कूदकर छुप जाता है। अब जॉर्जियन सोल्जर्स इलियास के पास आते हैं, जिससे इलियास घबरा जाता है और उसकी घबराहट को भांप जाते हैं। वो पूछते कि तुम हमें देखकर घबरा क्यों गए? वो कहता है कि मुझे लगा कि रशियन सोल्जर्स हैं। जिसके बाद कमांडर कहता है कि हमें प्यास लगी, हमें पानी दो। और जब इलियास अंदर पानी लेने के लिए जाता है तो सोल्जर्स भी उसके पीछे पीछे उसके वुडन हाउस के पास आ जाते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं। दरअसल अभी ने इलियास के ऊपर शक है। इलियास कमांडर से पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं?
वो बताते हैं कि हमारे यहाँ से एक रशियन सोल्जर भाग गया है जिसकी हमें तलाश है। जैसे ही वो हमें मिलेगा हम उसे मार देंगे। इसके बाद वो इस जगह से चले जाते हैं और अब वो रशियन सोल्जर बाहर आता और ठंड से कांप रहा होता है, जिसके बाद इलियाज उसके लिए आग जलाता है। रशियन सोल्जर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, उसे पता है कि अगर जॉर्जिया के सोल्जर्स ने उसे देख लिया तो देखते ही गोली मार देंगे। अब इलियाज जब अगली सुबह अपने वुडन हाउस की तरफ आता है तो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है और अंदर रशियन सोल्जर नहीं है। वो समझ जाता है कि वो यहाँ से भाग चुका है, इसीलिए अगले दिन वो अपनी ग्रैंड डॉटर मरियम को भी आइलैंड पर काम करने के लिए ले आता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मरियम को जब पता चलता है कि रशियन सोल्जर यहाँ से जा चुका है तो उसे बहुत बुरा लगता है। हमेशा उदास रहती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसे उस सोल्जर से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो गया था। ऐसा क्यों हुआ उसे कुछ नहीं पता, शायद उसकी उम्र ही ऐसी है। अब यहाँ पर एक और सोल्जर्स की बोट आती है जिसमें रशियन सोल्जर्स होते हैं जो अपने साथी के बारे में पूछते हैं, पर इलियास साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। वो सब यहाँ से चले जाते हैं और अब जल्दी फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी फसल होती है। इलियास तय करता है कि आज से वो फसल काटना शुरू करेगा और जब वो फसल काटना शुरू करता है तो देखता है कि नदी का पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज है, जिससे आइलैंड की मट्टी कट रही होती है। साथ ही कुछ ही देर बाद बारिश होना शुरू हो जाती है जिससे आइलैंड धीरे धीरे डूबना शुरू हो जाता है। इलियास ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी पूरी मेहनत अब पानी में डूबने वाली है। उसकी ग्रैंड डॉटर मरियम भी उसकी मदद करने के लिए आती है। ये जल्दी जल्दी फसल को काट कर अपनी नाव के ऊपर रखते हैं और जब वो भर जाती है तो मरियम को नाव के ऊपर बिठा कर इलियास भेज देता है और खुद वो अपने वुडन हाउस के पास आकर वुडन हाउस को पकड़ लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये घर डूब जाए। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी पूरी की पूरी मेहनत अब पानी में डूबने वाली है। पानी का बहाव बहुत तेज होने की वजह से धीरे धीरे उसका वुडन हाउस और उसकी पूरी फसल पानी के अंदर समा जाती है और उस फसल के साथ और वुडन हाउस के साथ इलियास भी उसी में समा जाता है। इलियास ने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की थी, उसकी फसल उग भी गई थी, लेकिन शायद उसके नसीब में यही था। ये थी कहानी कैसे बूढ़े आदमी और उसकी ग्रैंड डॉटर की, जिन दोनों ने पूरी मेहनत से फसल को उगाया लेकिन जब उसे काटने का वक्त आया तो कुदरत ने उनका उनसे सब कुछ छीन लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।